राजस्थान में कर्मचारियों को संरक्षण देने वाले विवादित बिल को लेकर वसुंधरा राजे सरकार फिलहाल पीछे हटती नजर आ रही है। यही वजह है कि विधानसभा ने मंगलवार को दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2017 प्रवर समिति को भेजने का फैसला लिया। सदन में गृह मंत्री कटारिया और भाजपा के बागी नेता घनश्याम तिवाड़ी इस मुद्दे पर आपस में भिड़ गए। उधर अलवर और जयपुर सहित कई जगह वकीलों ने बिल के विरोध में बहिष्कार किया। दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक को लेकर वसुंधरा सरकार को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने कल इस मुद्दे को लेकर पैदल मार्च निकाला था। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सहित रामेश्वर डूडी, प्रताप सिंह खाचरियावास और गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य विधायक उग्र तेवर में नजर आए। पायलट इस विधेयक को काला कानून बता चुके हैं। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो इस सरकार की जो नीति रही है और नियत रही है वो विरोध बर्दाश्त करने की है नहीं। और इस काले कानून के खिलाफ हम सड़कों पर जब आए तो हम लोगों को डिटेन किया है। विधानसभा के अंदर हमारे सभी विधायकों ने इसका विरोध किया है। इस कानून को हम बनने नहीं देंगे, राजस्थान में लागू नहीं होने देंगे। हमने बंद बना लिया है। हाई कोर्ट का रास्ता भी हम खटखटाएंगे, वहाँ पे न्यायपालिका को हम बताएंगे, क्योंकि इस कानून के माध्यम से मीडिया का तो गला घोट रहा है लेकिन जो लोअर कोर्ट्स की जुडिशियल पावर्स हैं उसको भी सरकार ने हाथ में ले लिया है। किसी सांसद, मंत्री, विधायक के ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक सरकार नहीं चाहेगी। अब सरकार खुद करप्शन करे और कैसे अपने लोगों पर कार्रवाई करवाएगी? तो इस सरकार का अब समय आ गया है। जैसे बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। ऐसा कानून बनाया है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, प्रदेश में बीजेपी की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। वहीं सोमवार को आरंभ हुई विधानसभा हंगामे के चलते स्थगित कर दी गई थी। आज सदन की कार्यवाही शुरू होने पर गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने बिल को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। इससे पहले गृह मंत्री ने बताया कि अध्यादेश के लिए 4 सितंबर को राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त हो गई थी। प्रवर समिति को भेजने के चलते लगता है कि अब बिल संशोधन के साथ अगले सत्र यानी बजट सत्र में ही आ पाएगा। हालांकि विपक्ष फिर भी शांत नहीं हुआ और विधेयक को काला कानून बताते हुए वापस लेने पर अड़ा रहा। विपक्षी सदस्य वेल में जाकर नारेबाजी कर रहे थे जिससे प्रश्नकाल भी पूरा नहीं हो पाया और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। उधर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के वरिष्ठ विधायक घनश्याम तिवाड़ी संशोधन विधेयक के विरोध में आ गए और काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। तिवाड़ी ने बोलने की इजाजत आसन से मांगी लेकिन आसन ने गृह मंत्री को बिल पर बोलने के लिए कहा। इससे तिवाड़ी नाराज हो गए और जोर से बोलने लगे। इसी दौरान तिवाड़ी और गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया में तीखी नोकझोंक भी हुई। गृह मंत्री कटारिया के बोलने के दौरान तिवाड़ी भी जोर जोर से बोलते रहे। इस पर गृह मंत्री गुस्से में आ गए। कटारिया का कहना था कि उनके फेफड़ों में भी काफी दम है। बाद में सदन के बाहर घनश्याम तिवाड़ी ने गृह मंत्री के रवैये को गलत बताया। वहीं आज सुबह पिंक सिटी प्रेस क्लब से पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर इस बिल के विरोध में विधानसभा तक मार्च किया। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस बिल का विरोध किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने वसुंधरा सरकार से इस बिल को वापस लेने की बात कही है। विधेयक के खिलाफ आज वकीलों ने न्यायिक काम का बहिष्कार कर जयपुर जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया। वकीलों ने संशोधन को असंवैधानिक बताने के साथ ही इसे न्यायिक काम में हस्तक्षेप बताया है। इसके अलावा अलवर में जिला अभिभाषक संघ से जुड़े अधिवक्ताओं द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया। साथ ही न्यायालय परिसर में रैली निकाली गई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने नारेबाजी भी की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ और अन्य पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे। देखिए राज्य सरकार द्वारा जो गवर्नमेंट पास किया गया है कि इसको कहीं काला कानून करके उठा रखा। इसके स्वरूप आज अलग अलग ग्रामसभा की बैठक हुई जिसमें निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। उसमें तत्कालीन वर्तमान गवर्नमेंट के खिलाफ जो कानून बनाया है उनकी हत्या कर दी है। आज कल सरपंच से लेकर किसी के खिलाफ कोई आदमी न्यायालय में आता है और उसकी पाबंदी लगा दी गई है कि न्यायालयों में भी जो एफ आई आर इसका सिलसिला जम कराएंगे उसके लिए अग्रिम स्वीकृति के बाद ही एफ आई आर दर्ज होगी। तो बिल्कुल ये आम जनता की कुछ है, ये आम जन की लड़ाई है, अलग अलग सरकार को घोषणा करता है। और सबसे बड़ी इसमें जो कमी है मतलब एक असम सरकार ने की है मीडिया पर, क्योंकि मीडिया पर जो प्रतिबंध लगाया किसी भ्रष्ट लोग के खिलाफ छापेगी नहीं तो सब जगह का प्रावधान
बिल्कुल ही जो चौथे स्तंभ का मीडिया उसके पता लगा के इसके कठोर समर्थन की जाए इतनी कम है। इसके स्वरूप अलवर में कार्य संगम न्यायालय का बहिष्कार किया है, कार्य निर्णय लिया है और एक रैली निकाली गई है स्वरूप और अभी हम ज्ञापन भी इंडिया का नाम देंगे। गौरतलब है कि इस अध्यादेश के अनुसार राजस्थान में अब पूर्व और वर्तमान जजों, अफसरों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस या अदालत में शिकायत करना आसान नहीं होगा। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य होगी। इसमें सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया है, लेकिन बिल की बात सामने आने के बाद से ही इसका कड़ा विरोध सामने आया है। बताया जाता है कि सीएम वसुंधरा राजे ने अपने कुछ वरिष्ठ मंत्रियों और प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के साथ कल शाम को इस पर मंथन किया था। इसके बाद आज गृह मंत्री ने बिल को विधानसभा के प्रवर समिति के विचारार्थ भेजने का फैसला सुनाया। प्रदेश में 3 जगह उपचुनाव भी होने हैं और सरकार फिलहाल अगले सत्र तक इस मुद्दे को टालना चाहती है।